हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा हमारा 11:22 पर। और भाई अभी जो है नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तो अभी फ्रेश लग रहा है। तो आजकल ना हमारे यहाँ पर जो है बारिश हो नहीं रही है खेतों में, तो खेतों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ चुकी है। और आजकल लगाए हुए हैं पाइप से लगा रहे हैं खेतों में पानी, और तब जाके गेहूँ को भिगा रहे हैं। तो बारिश का तो कोई पता नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी तक बारिश हो नहीं पाई है। तो पता नहीं कब तक होगी बारिश, तब तक पाइप से ही गुजारा करना पड़ेगा गेहूं के लिए। अभी जो है खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं। उसके बाद हम कपड़े कुपड़े धोएंगे, अपनी सफाई सफुई करेंगे आज, और देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। तो दोस्तों आजकल जो है स्वास्थ्य भी कुछ ख़राब चला हुआ है, पता नहीं कब्जी वगैरह हो गई है, कुछ भूख शोक कम हो गई है आजकल। तो अभी हमने रख दी है दाल गर्म करने के लिए, और थाली भी है और दूध का गिलास है, और अब खाएंगे हम खाना। तो दोस्तों अभी जो है हम गाय के लिए घास लाने के लिए लाए आए थे अपने खेत में, और यहाँ पर जो है ये हमारा कमल का पेड़, और इसको हमने काट कर नीचे गिरा हुआ है, इसको इकट्ठा करेंगे और ले जाएंगे अब गाय के लिए घास खाने के लिए। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम अपने खेत में, तो वहाँ पर केले पके हुए हैं, तो देखते हैं केले को ले आते हैं और घास भी ले आते हैं साथ में। तो उस साइड जो है धूप है, और हमारी साइड जो यहाँ पर छाया आ गई है, तो यहाँ से धूप चली गई है, तो वहाँ तक जो है शाम तक रहता है धूप। तो दोस्तों ये रहे हमारे केले के पेड़, और ये सामने दिख रहे हैं केले का गर्ड, और देखते हैं कौन से पके हैं। ये तो अभी हरे दिख रहे हैं, तो इस साइड वाले हो सकते हैं शायद, नीचे जाके देखना पड़ेगा। सो गाइस, तो ये गर्ड है ऊपर वाला, मुझे लगता है ये तो तोड़ना ही पड़ेगा, ऊपर से टूट भी गया है, तो जैसा भी है घर जाकर पकाना पड़ेगा। तो ले जाते हैं इसको अभी काट कर। दोस्तों अभी जो हमने पहले केले का पेड़ जो है काट दिया था, तो यहाँ से गिरा ये नीचे को, और यहाँ पर जो है तीन चार केले टूट भी गए हैं, और एक ये पक रहा था, पीला हो गया पेड़ पर ही, और बाकी तो अभी हरे ही है। चलो देखते हैं, जैसा भी है घास में डालते हैं या भूसे में, तब पक जाएंगे धूप में रखकर। तो दोस्तों एक केला जो है हमारा पक गया था, ये रहे मोटे मोटे केले अपने, भाई अपने बहुत ही जानदार केले होते हैं भाई, मोटे मोटे बिल्कुल पेड़ों पर ही पक जाते हैं यहाँ पर। और जो दुकानों पर आते हैं जो केमिकल द्वारा पकाए होते हैं, वो ज़रा इतने बारीक बारीक होते हैं, और ये तो भाई दो केले का एक ही केला है। ये तो ठीक ठाक पक्का है, बढ़िया। दोस्तों अभी जो हमने केले तो अपने बोरू में भर लिए हैं, तो अभी तो जो है घास ले जाएंगे ऊपर, खिड़ के पेड़ में है हमारा घास, सूखा घास, तो इसको गिराएंगे नीचे और रस्सी में भरेंगे, इसको भी ले जाएंगे घर के लिए गाय के लिए। और मम्मी ने ले आया है एक हरे घास का पुला। अभी जो है हमारा भरोटू घास का भर दिया है मम्मी ने, और मम्मी जो है केला लेकर जा रहे हैं बोरू में, तो अभी हम पिट्ठू लेंगे और उठाएंगे घास को और चल देंगे घर की तरफ। तो दोस्तों अभी जो है हमने पीठ पर ले लिया है घास का भरा, और चलना है अभी हमने 60 डिग्री की चढ़ाई ऊपर की तरफ। जय श्री राम। तो चलते हैं अब घर की तरफ।
तो दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने हमारे कड़ी पत्ते की मांग की है, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं कड़ी पत्ता, तो भर देंगे हम या आज या कल तक एक लिफाफे में दे देंगे अपने सब्सक्राइब को, क्योंकि ये उस चीज़ का काम बहुत ज़्यादा आता है। जैसे आप कड़ी में भी डाल सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं आप पत्ते, तो काफ़ी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो दोस्तों अभी जो है संध्या हो चुकी है, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।